सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हमारे जो पास है फ़ोन दोस्तों आईटेल का A41 है दोस्तों। तो चलिए इसका हम पहले बैक साइड का कवर निकाल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मॉडल दिया हुआ है आईटेल का दोस्तों A41 है। तो चलिए इसको हम बैटरी लगाते हैं। तो दोस्तों इस मॉडल पे लगी हुई है दोस्तों FRP लॉक। दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं FRP अनलॉक करने के, बाईपास भी कर सकते हो, सब अपने अपने तरीके से कर सकते हो दोस्तों, लेकिन हम करेंगे इसकी फ्लैशिंग। तो दोस्तों देख सकते हो फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए इसका हम सेटअप करते हैं, स्किप करते हैं। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये वाईफाई मांग रहा है। तो चलिए हम इसको वाईफाई देते हैं। और कनेक्ट करते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है दिस डिवाइस वॉज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद अ गूगल अकाउंट वॉज प्रीवियसली साइन इन ऑन दिस डिवाइस। दोस्तों इस फ़ोन पे ये फ़ोन जब ही स्टार्ट होगा जब इस पे हम इसकी पुरानी ईमेल आईडी लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम इस सिस्टम पे और करेंगे इसकी फ्लैशिंग दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से असिस्टेंट खुलता है कि नहीं, तो दोस्तों असिस्टेंट का ऑप्शन है बट ये देख सकते हो दोस्तों। ये खुलेगा नहीं दोस्तों, यहाँ से आ रहा है बस लेकिन ऑन नहीं होगा। देख सकते हो कि हम गूगल वगैरह में जाके इसको बाईपास कर सकें, और भी दोस्तों मेथड है बाईपास करने के। तो दोस्तों देख सकते हो असिस्टेंट नहीं खुल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सिस्टम में और करते हैं इसकी फ्लैशिंग। इसको कर देते हैं हम पावर ऑफ, ओके करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने सिस्टम पर। तो दोस्तों ये हमारी आईटेल A41 की फाइल दोस्तों। तो चलिए इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। दोस्तों हमारी 1.12 GB की फाइल है दोस्तों, और जो इसका वर्ज़न दिया हुआ है V12 वर्ज़न है दोस्तों फाइल का। तो दोस्तों हम एक्सट्रैक्ट हेयर हो जाने देते हैं अपनी फाइल को। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फाइल एक्सट्रैक्ट हियर होने ही वाली दोस्तों। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे बस।
तो दोस्तों हमारी जो फर्मवेयर हो चुकी है एक्सट्रैक्ट है यार दोस्तों, और ये है उसका फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो चलिए इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको फाइल का एक्सटेंशन मिलता है डॉट पैक, जो कि एसपीडी टूल से होती है दोस्तों फ्लैश। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे एसपीडी अपग्रेडेड टूल दिया भी हुआ है दोस्तों। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमको टूल भी मिल जाता है। इसको भी हम बैक करते हैं दोस्तों। ये IMEI राइट टूल मिल जाता है। और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ हमको ड्राइवर्स वगैरह मिल जाते हैं दोस्तों एसपीडी के। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं बैक। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से इस एसपीडी अपग्रेड टूल को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा रिसर्च डाउनलोड यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो टूल है ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हम जाते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमारी फाइल लोड होती है। तो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों, और हमको ब्राउज करना है जहाँ पे हमारी फाइल है। तो हमारी डेस्कटॉप पर आईटेल के अंदर दोस्तों फर्मवेयर के अंदर डॉट पैक वाली फाइल यहाँ से करते हैं ओपन, और करते हैं थोड़ा सा वेट। नीचे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारी फाइल लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा हम वेट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फाइल हो चुकी है लोड। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं डाउनलोड पर क्लिक, और करते हैं अपने मोबाइल की फ्लैशिंग। तो दोस्तों ये है इसका डाउनलोड का बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं, और वॉल्यूम डाउन दबा के हम अपडेटर केबल लगाएंगे दोस्तों, और देखते हैं हमारा फ़ोन डिटेक्ट होता है कि नहीं होता है। हमने वॉल्यूम डाउन दबाया है और अभी डेटा केबल लगाए हैं, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ हमारा डिवाइस भी कनेक्ट है, और यहाँ देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग होने शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो है डिवाइस अभी कनेक्ट है। हमने वॉल्यूम डाउन दबाया है और डेटा केबल लगा दिया है दोस्तों। हम करेंगे थोड़ा सा वेट। दोस्तों फ्लैशिंग हो रही है, तो थोड़ा सा समय ले लेगा दोस्तों ये फ्लैश होने में, तो थोड़ा हम वेट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे हमारे इस पे जो FRP लगी हुई थी दोस्तों, हटी कि नहीं हटी दोस्तों।
तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग डन होने ही वाली है दोस्तों, तो थोड़ा हम वेट और करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फ्लैश हो चुका है डन, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पास भी लिख के आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे पास का साइन आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पास का साइन दिखा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फ़ोन पर चलते हैं और फ़ोन की बैटरी को रिमूव करके डेटा केबल लगाते हैं फ़ोन पर, वो सॉरी दोस्तों फ़ोन की बैटरी को रिमूव करके फिर से बैटरी लगा के हम फ़ोन को ऑन करेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे दोस्तों, और फ्लैश हुआ है फ़ोन तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेगा दोस्तों, तो थोड़ा हम वेट करेंगे। तो दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है, तो चलिए हम इसका सेटअप करते हैं, स्किप करते हैं और यहाँ से इसको स्किप करेंगे, स्किप एनीवे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो FRP लॉक था अभी स्किप नहीं हो रहा था वाईफाई का ऑप्शन में, तो हमने वाईफाई कनेक्ट किया रहा, तो दोस्तों हमारा जो स्किप का ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये हमने स्किप कर दिया, स्किप एनीवे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये प्रोटेक्शन हटा देंगे दोस्तों, हम नहीं लगाएंगे, आपको लगाना तो लगा सकते हो। स्किप करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से गॉट इट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एयरटेल का फ़ोन है हो चुका है स्टार्ट और बढ़िया वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम IMEI भी चेक कर देते हैं एक बार, स्टार है 06 है, तो IMEI भी है हमारी दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसी जो भी वीडियो ला लूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू गाइस।